बातें ही हुई हैं अभी तक, काम नहीं हुआ कश्मीर पे। इमरान खान की हुकूमत ने तो सारा तबाही कर दिया, कश्मीर का सिस्टम सारा तबाह किया। उसने क्या करना हुआ, आज 5 अगस्त है तो इस वाले से क्या कश्मीर पे हुआ था? इस हवाले से बेसिकली मुझे जो आइडिया है 5 फरवरी का ही है, यकजहती है कश्मीर। सर 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को पॉलिसी किसकी बेहतर थी, नवाज शरीफ की या? नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मोर के पंख होते हैं ये सर्व सत्य है, पर गधे के सिर पर सिंह होते हैं ये अर्ध सत्य है। अब जिन्हें सर्द सत्य में पूर्ण सत्य तलाशना है, इसके लिए पाक की मदरसा पैदा इसकी बुद्धि का विश्लेषण करना जरूरी है। ये वही फंटर लोग हैं जिनके बाप दादा कश्मीर का रट्टा लगा के हुरों की खोज में प्रस्थान कर गए, मगर इन्हें ना कश्मीर मिला और हुरों की तो उम्मीद ही बेमानी है, क्योंकि हुरे सिर्फ गिनती की ही बची है, जबकि पाकिस्तान में पेशावर से इस्लामाबाद तक कचरे के अंबार लगे पड़े हैं। वैसे भी कंगाली ने इनकी तस्वीर पर इतने अलगोजे लटका रखे हैं जिनकी पोपो से इनकी रात दिन बज रही है, मगर बावजूद इसके पूरी मुल्ला कौम ख्वाब देख बैठी है, भैंसों के तबेलों में अंडे के गोदाम जरूर खुलेंगे। यह खुल सकते थे, पर जिन्ना ज्यादा समझदार था जो सारा कचरा अपने साथ लेकर भाग गया। अब जिन्हें इसमें संदेह हो वह इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे साबित हो जाएगा कि मौसमी के पेड़ पर तरबूज कैसे लग जाते हैं। आज से ठीक 2 साल पहले पाकिस्तान में एक ऐसा सुल्तान गद्दी पर बैठा जिसने कसम खाई कि वह टोपीबाजों को तहमनवीन करने का कीर्तिमान स्थापित करेगा। ऐसा करने के लिए उसके पास एक ही फार्मूला था। यह फार्मूला अंडो मुर्गी के बाद भैंसों की सवारी से होता हुआ कश्मीर पर जाकर केंद्रित हो गया, जिसमें इस लोंडे ने 200 से ज्यादा ट्वीट कश्मीर पर किए हैं, अमेरिका की 2 बार यात्राएं की और 13 से ज्यादा इंटरव्यू कश्मीर पर ही दिए हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने इसके चेहरे पर जो काली पोती, उसकी घबराहट आज तक कायम है। हालत यह है कि मदरसा पैदा इसको यह 18 बार बोल चुका है कि घबराना नहीं। यह ढांढस इसलिए बंधाया गया था क्योंकि सुल्तान नोडा जानता था कि जिन्ना जिस कचरे को भारत से उठाकर लाए उनमें भारी तादाद में सींग वाले गधे थे। पिछले साल एक वाकया हुआ था बहुत बड़ा, जिसको एक साल आज मुकम्मल हो गया। थोड़ी मालूमात है आपको इस बारे में? कैसी, किस में? पिछले साल 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था, आज एक साल मुकम्मल हो गया। आपको याद है या भूल गए हो कश्मीर को? नहीं, बात को भूल गया, कश्मीर को नहीं भूला। कश्मीर को नहीं भूला, बात भूल गया। हाँ, अब ये बताएं कि यार कश्मीर के ऊपर इमरान खान की पॉलिसी बेहतर है या उससे पहले की जो हुकूमतें थी उनकी बेहतर है? जो पहले था वो बेहतर था। 5 अगस्त 2019 को एक बहुत अहम इंसिडेंट हुआ था, एक साल मुकम्मल होने वाला, याद है कुछ क्या हुआ था? कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा कर लिया था अपना, उनका सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया, उसी हैसियत जो खत्म कर दी ऐसे ही। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं मुझे कि कश्मीर के पॉलिसी के ऊपर इमरान खान साहब की पॉलिसीज बेहतर है, उनकी हुकूमत बेहतर है या इससे पहले की जो हुकूमतें थी उनमें बेहतरी थी? इमरान खान की हुकूमत ने तो सारा तबाही कर दिया, कश्मीर का सिस्टम ही सारा तबाह किया हुआ है पहली हुकूमतों में, फिर कभी ऐसे नहीं था। अब एक साल से कश्मीर बंद है, बिल्कुल बंद, और हम लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। 5 अगस्त 2019 को एक वाकया हुआ था पिछले साल, आपको कुछ याद है इस हवाले से? बिल्कुल नहीं याद, बिल्कुल नहीं याद। मैं थोड़ा बता दूं आपको, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर एक कर्फ्यू लगाया गया था, बहुत सख्त तरीन बदतरीन जो अभी तक लगा हुआ है, उस हवाले से अब याद आया कुछ आपको? जी जी, कर्फ्यू लगा था। 5 अगस्त 2019 को पिछले साल एक वाकया हुआ था, एक साल पूरा हो गया, आपको इस बारे में कोई मालूमात है? जी मैं कुछ मालूम नहीं, थोड़ी जी कोई हिंट, कुछ नहीं पता। कश्मीर दे विच कर्फ्यू लग गया सी, ओदा भी कुछ पता नहीं, ओदा भी नहीं पता तो तुहानू पता है भाई? नहीं भाई, नहीं पता। इधर 5 अगस्त 2019 को एक वाकया हुआ था बहुत बड़ा, एक साल पूरा हो गया, उस बारे में कुछ पता है आपको? नहीं। कश्मीर में कर्फ्यू लगा था वो याद है? अभी तक लगा हुआ है, लगा हुआ। यार ये बताओ इमरान खान कश्मीर के हवाले से कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसने क्या करना, वो अपने खजाने भरी जा रहा है। अच्छा, कश्मीर के हवाले से कुछ नहीं कर रहा? नहीं, वो अपने खजाने भर रहा है, उसने क्या करना है, वो कौम का कुछ सोचता ही नहीं है। अच्छा, तो नवाज शरीफ जो है वो कैसा है, वो ठीक है? वो ठीक है, पक्का? पक्का। तो उसने कश्मीर के हवाले से कुछ किया था? तो कहाँ पर कर्फ्यू लगा था तब? लगा था, नहीं लगा था? आप कहते हैं इमरान खान आया तो गलत पॉलिसी की वजह से कर्फ्यू लगा है। आज 5 अगस्त है तो इस वाले से क्या कश्मीर पे हुआ था?
इस हवाले से बेसिकली मुझे जो आइडिया है 5 फरवरी का ही है, यकजहती है कश्मीर। सर 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को पहले किस गवर्नमेंट की पॉलिसी बेहतर थी आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो नून लीग की पॉलिसी बेहतर थी कश्मीर के हवाले से, हर चीज के हवाले से। अच्छा, ये कहा जाता है कि कश्मीर बेच दिया गया खुदा ना खास्ता, आपकी नज़र में ये बयानियां दुरुस्त? जब एक चीज हर चीज में चुप, अब उनको हर चीज में फैसिलिटी, जैसे उनका एक हमने वो फौजी पकड़ा तो एक दिन भी उसका अपने पास नहीं रख सके, साथ ही हमने अगले दिन उसको कपड़े डलवा के अच्छी तरह चाय पिला पलो के बेच दिया। साल 5 अगस्त 2019 को एक वाकया हुआ था, एक साल मुकम्मल हो चुका है, आपको इस बारे में कुछ याद है? नहीं सॉरी, कश्मीर में लॉकडाउन लगा था, कर्फ्यू लगा था, वो तो एक साल मुकम्मल हो गया इस चीज को। इस हवाले से मैंने आपसे पूछना था, इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेहतर है या इससे पिछली गवर्नमेंट की जो कश्मीर के हवाले से थी? जो तो फिलहाल नजर आ रहा है वो तो बेहतरीन नहीं नजर आ रही, वो तो आपको भी नजर आ रही है, मुझे तो नहीं नजर आ रही कुछ भी। आपको पता जो हालात जा रहे हैं मुल्क के इस वक्त, वो तो मुल्क के हालात एक तरफ, दूसरी तरफ कश्मीर की पॉलिसी, वो आप क्या समझते हैं, इस हुकूमत की अच्छी है या इससे पिछली हुकूमत की? जो अब जो लॉकडाउन खत्म होगा, हमारे सुनने में तो ये भी आ रहा है, तो इस हुकूमत ने जो कश्मीर जो है वो दे चुके हैं, ये भी सुनने में आ रहा है, सुनने में आया है, ठीक है। नहीं वो अभी रात को ही हम सुन रहे थे सोशल मीडिया पे, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा जहाँ तो फाटा देंगे तो जहाँ कश्मीर देंगे। कश्मीर का मामला हुआ कोई बोलते ही नहीं, एक साल हो गया क्या, अब हमने एटम बम किस लिए रखा हुआ है? तो वो जो तकरीर की थी यूएन में यूएन की तकरीरें जो है ये सिर्फ पीटीआई के सपोर्टरों को सुनाने के लिए तकरीरें हैं। अच्छा। ये करना जो कुछ भी नहीं, बस तकरीरें करा लो जितनी मर्जी करा लो। पॉलिसी किसकी बेहतर थी, नवाज शरीफ की या इमरान खान की या आसिफ अली जरदारी साहब की? पॉलिसी सब अपने माइंड के हिसाब से लेके चल रहे हैं, जिसको जिस तरह का समझ लगता है, जैसे समझ आ रही है वो वैसे चल रहा है उस तरह से। उससे पहले जरदारी की गवर्नमेंट, फिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट, उससे पहले उनकी पॉलिसीज आप समझते हैं इससे कुछ बेहतर थी? इससे बेहतर थी वो, फिलहाल बेहतर थी वो, ठीक है। नहीं आवाज तो हर हुकूमत में आई है कश्मीर के लिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।